नमस्कार, मैं अनिल केसी अबाउट इंडिया चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। अबाउट इंडिया चैनल का वास्तविक उद्देश्य भारत की संस्कृति, भारत की विरासत आदि से परिचय कराना है। और भारत की सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत आज हम लोग हिंदू धर्म की एक मान्यता है, उस मान्यता के बारे में चर्चा कर रहे हैं, और वह है 84 लाख योनियों की चर्चा। 84 लाख योनियों की चर्चा क्या है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं। तो देखिए, 84 लाख योनि, यहाँ योनि का तात्पर्य जो है वह क्या है? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ योनि का जो तात्पर्य है वो प्रजातियों से लिया जाता है, यानी जो प्रजातियाँ हैं, स्पीसीज़ हैं, उन्हीं को दरअसल हम लोग योनि के रूप में जो है स्वीकार करते हैं। तो हिंदू धर्म जो है वह क्या कहता है कि 84 लाख योनि की संकल्पना है। हिंदू धर्म के मान्यताओं के अनुसार जो पुराणों में वर्णित है उसमें 84 लाख जो है वह योनियाँ, जिसमें अलग अलग जो है वह प्रकार की योनियाँ जो है वह हमें अलग अलग प्रजाति स्पीसीज़ जो है वह देखने को मिलती है। ये आइए हम लोग देखने का प्रयास करें। तो देखिए, दरअसल क्या है कि जो योनि होती हैं वो, यानी प्रजाति, वो दो प्रकार की होती हैं, जिसे हम लोग भारतीय परंपराओं में या पुराण में योनिज कहा गया है और अयोनिज कहा गया है। योनिज किसे कहते हैं? जो दो जीवों के संयोग से जो है वह जिस जीव का, एक तीसरे जीव का जन्म होता है। जैसे मेल फीमेल के संयोग से जो है वह एक बच्चे का जन्म हुआ, तो इसे जब हम लोग योनिज जो है वह कहें। और एक है जो स्वयं उत्पन्न हो जाता है, और अयोनिज जो है वह, यानी जैसे जो है वह कई जो है वह बैक्टीरिया हैं, वायरस हैं, जो स्पीसीज़ में नहीं आते हैं, लेकिन जो है वह वायरस का भी जन्म स्वयं होता है या बैक्टीरिया का जन्म होता है। कई कीड़े मकोड़े हैं जिनका जन्म जो है वह स्वयं हो जाता है, यानी उसमें संयोग, मेल फीमेल का संयोग नहीं होता। इसे को हम लोग जो है वह क्या कहते हैं? अयोनिज कहते हैं। तो ये दो प्रकार की जो है वह प्रजातियाँ होती हैं। और जन्म के आधार पर प्राणी जो है वह जो चार प्रकार के होते हैं, तो कौन कौन से होते हैं? जिसमें जरायुज, और जरायुज किसे कहते हैं? जो माता के गर्भ से पर उत्पन्न हुआ हो उसे हम जरायुज कहते हैं, पुराणों में यह वर्णित है। अंडज, ये जो अंडों से उत्पन्न होता है। स्वदेज, यानी मल मूत्र पसीने आदि से जो है वह कई बैक्टीरिया वगैरह, फंगस वगैरह जन्म ले लेते हैं। तो ऐसे जो जीव हैं वो क्या है? वो स्वदेज हैं। और कुछ है उद्भिज, जो पृथ्वी से उत्पन्न हो जाते हैं, यानी पृथ्वी के अंदर, जैसे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म बात करते हैं कि मृदा में बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, तो वो पृथ्वी में स्वयं उत्पन्न हो गए। या फिर जो है वह आप डेड बॉडी को, बुरियल मेथोडोलॉजी में डेड बॉडीज़ को डालते हैं, कुछ दिनों के बाद वो डेड बॉडीज़ नहीं मिलती है, तो निश्चित है ना कि वो उसमें जो है वह क्या हुआ कि बहुत सारे जो है वह माइक्रो ऑर्गेनिज्म जन्म लेते हैं और वो डेड बॉडी को जो है समाप्त कर देते हैं। तो इस प्रकार से जो है वह, ये क्या कहा? उद्भिज। तो ये जो है वह चार प्रकार के जो है वह प्राणी जो है वह हम लोग पुराणों के अनुसार, पुराण में पद्म पुराण है, जो 18 पुराण है उसी पद्म पुराण है, उसी में दरअसल इस सब की चर्चाएं हैं। इनकी भी चर्चाएं जो है वो पद्म पुराण में है, और ये भी जो है वो जो चर्चा है उसके बाद पद्म पुराण के अनुसार से 84 लाख जो है वो योनियां हैं। तो 84 लाख योनियां कहाँ कहाँ से हैं? तो उसमें व्याख्या किया गया है कि जो जलचर हैं वो 9 लाख प्रजातियाँ उसमें पाई जाती हैं, पेड़ पौधों में 20 लाख प्रजातियाँ पाई जाती हैं, कीड़े मकोड़ों में 11 लाख प्रजातियां हैं, पक्षी में 30 लाख प्रजातियां हैं, और देवता, दैत्य और मानव की जो है वह 4 लाख प्रजातियां, ये पद्म पुराण के अनुसार से है। 84 लाख प्रजातियां जो है वह यहाँ पर दिखाई जो है वह देती हैं। अब वर्तमान में जो है वह समझिए, वर्तमान में जो है वह हमारे पास जो है वह एक नेचर नाम की मैगजीन है। तो नेचर नाम की जो मैगजीन है वह जो है वह जो अनुमान लगाई है कि हमारी पृथ्वी पर कुल 8.7 मिलियन प्रजातियां, 8.7 मिलियन प्रजातियां का मतलब क्या है? 87 लाख। अब देखिए, ध्यान से देखिए, ये वर्तमान का विज्ञान कह रहा है कि 87 लाख प्रजातियां हैं नेचर मैगजीन के अनुसार से, और पद्म पुराण के अनुसार से कितनी? 84 लाख जो है, जो लगभग जो है वह आपस में आकर जो है वह मिलने लगती है, संकल्पना जो है वह आकर मिलने लगती है। लेकिन ये जो है वह नेचर मैगजीन यह भी कहता है कि इसमें से 80% जो प्रजातियां हैं वो अनडिस्कवर्ड हैं, यानी अभी तक हम लोगों ने उसकी पहचान नहीं की। जैसे मान लीजिए पृथ्वी के अंदर बहुत सारे जो है वह जीव हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, क्या सब की पहचान हम लोग कर पाए हैं? तो नहीं कर पाए हैं। क्यों? क्योंकि इसमें तो सब कुछ शामिल है, सारे कीड़े मकोड़ों की जो है वह 11 लाख प्रजातियाँ हैं, सब कुछ शामिल हैं। इसके बाद जो है वह पक्षी जो है वह की प्रजातियां हम लोग केवल उनकी पहचान कर पाए हैं जिनके जो है वह हमें अवशेष मिले हैं, या जो है वह जो आज विद्यमान में मौजूद हैं। बहुत सारे ऐसे तो थे जो कि नहीं थे, तो ऐसे ही नेचर साइंस भी जो है वह कहता है कि जो बहुत सारे हैं जिसको हम लोग पहचान ही नहीं पाए हैं, अनडिस्कवर्ड है।
तो जो डिस्कवर्ड हैं उनकी संख्या कैसे है, क्या है, हम लोग इसको जो है वह देखते हैं। तो देखिए, प्लांट्स की लगभग 300,000 प्रजातियों को हम लोगों ने अब तक खोजा जिनका नामकरण किया गया। इंसेक्ट्स की जो है वह लगभग 7.5 लाख प्रजातियों को जो है वह ढूंढा गया। एल्गी की 23,000 प्रजातियों को जो है वह ढूंढा गया है। एनिमल्स की जो है वह लगभग 2,80,000 प्रजातियों को जो है वह ढूंढा गया है। तो ये जो है वह हम लोग अभी तक जो है वह क्या है, पहचान पाए हैं। इसके अलावा और भी है, प्रोटोजोवा है, फंगी है 66,000, प्रोटोजोवा जो है वह 30,000 जो है वह है। इसके अलावा जो है वह बैक्टीरिया और स्मॉलर फॉर्म के जो है वह 4,600 जो है, जिनकी पहचान ही नहीं हो सकती बैक्टीरिया आदि की, जो है वह कई बैक्टीरिया। तो ये जो है वह जो पहचाना गया उनकी संख्या मैंने जो है वह बताई कि ये अब तक जिनका नामकरण हुआ है उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा की। लेकिन नेचर साइंस जो है वह क्या कहता है कि 80% तो जो है वह हम जो है वह अनडिस्कवर्ड है, इसलिए नाम तो हो ही नहीं सकता है। अब 84 लाख योनियों की जो है वह दरअसल एक चक्र की संकल्पना है हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म के अंदर मानव का जो जीवन है वह 84 लाख योनियों के जीवन के पश्चात प्राप्त होता है, इसलिए मानव का जीवन बहुमूल्य है। यह जो है वह इसमें दर्शाने का प्रयास किया गया है कि मानव का जीवन बहुत ही बहुमूल्य है और वह कई जो है वह प्रजातियों से होकर जो है वह गुजर कर आता है। तो ऐसी स्थिति में हम लोग मानव की प्रजातियों को देखें तो देखिए मानव की प्रजातियों का जो इवोल्यूशन है, देखिए पृथ्वी पर जो जन्म हुआ है जीव का वो जल में हुआ और जल से लेकर ये मानव तक की जो है वह परंपरा जो है वह बता रहा है। ये एक जो है वह प्रकार यानी कि यहाँ से लेकर मानव तक का जो है वह एक एक श्रृंखला है और उस श्रृंखला में जो है वह हम लोग इवोल्यूशन जो है वह होता है और इसी को यहाँ हम लोग चक्र के रूप में जो है वह समझने का प्रयास करें। यानी यहाँ जो है वह ये जो ब्लैक्स हैं कई स्पॉट्स जो है वह हैं, दरअसल वो अलग अलग जो है वह अलग अलग जो है वह रूप को बदलते हैं। तो ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले जो है वह पेड़ पौधे जो है वह हुए, पेड़ पौधे के बाद जलचर, जलचर के बाद कीड़े मकोड़े, या ये उल्टा कर लीजिए, उसके बाद जो है वह पक्षियों का जीवन, उसके बाद पशु का जीवन, उसके बाद अंत में मानव का जीवन प्राप्त होता है। इसका मतलब है कि ये मानव का जो जीवन है ये इसलिए बहुमूल्य है क्योंकि हम जो है वह लगभग 84 लाख योनियों के बाद मानव का जीवन प्राप्त करते हैं, इसलिए मानव जीवन बहुत ही बहुमूल्य है। इसलिए मानव जीवन का न सिर्फ आदर करना चाहिए, मानव जीवन का न सिर्फ सम्मान करना चाहिए, बल्कि दूसरे मानव का भी जो है वह हमें सम्मान करना चाहिए, प्रत्येक मानव का सम्मान करना चाहिए। ये एक संदेश देने का जो है वह प्रयास किया गया। इसके अलावा साथ साथ जो है वह क्या है कि मानव का जीवन अगर यहाँ हुआ है तो मानव की हमारे यहाँ जो हिंदू धर्म में एक संकल्पना है आत्मा की, कि आत्मा जो है वह अमर है। तो इसका मतलब है कि शरीर जो है वह हमारा मृत हो जाता है और आत्मा अमर हो जाती है। तो इसका मतलब हमारी जो आत्मा है वो कहाँ चली जा सकती है, पेड़ पौधों में जा सकती है। वही आत्मा जो है कहाँ जा सकती है, जलचर में जा सकती है, कीड़े मकोड़ों में जा सकती है, पक्षियों में जा सकती है, पशु में जा सकती है। तो इस प्रकार से हमारी आत्माएं जो है वह एक क्रम में जो है वो चक्र जो है वह चलाती रहती है। तो हमारी आत्माएं चलाती रहती तो केवल मैं ही नहीं हूँ, हमारे पूर्वज भी हैं, हमारे जो है वह आने वाली पीढ़ियाँ भी हैं, सब कुछ है। यानी सब जो है वह इसी चक्र में घूम रहे हैं। तो अगर इसी चक्र में घूम रहे हैं तो हम किसी भी जो है वह पेड़ पौधे या किसी भी जीव को क्षति पहुंचाने के पहले विचार करना चाहिए हमें, या ये दर्शन देने का प्रयास किया गया है कि हो सकता है कि उसमें हमारे पूर्वजों की आत्माएं हों, हो सकता है आने वाले वंशज की आत्माएं हों। इसके माध्यम से हमें एक दरअसल जैव विविधता का संरक्षण भी प्राप्त हो जाता है कि हम 84 लाख योनियों का अगर मानव जीवन बहुमूल्य है तो वह उसका दायित्व तो है कि वह सभी जो है वह योनियों का संरक्षण करे, और इसी संरक्षण से हमें एक जैव संरक्षण, जैव विविधता के संरक्षण की भी प्रेरणा जो है वह का दर्शन हमें जो है वह इससे प्राप्त होता है जो इस 84 लाख योनि की संकल्पना के अंतर्गत शामिल है। मैं अनिल केसरी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद।